हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों अपनी एक्सरसाइज जो 1.2 थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम इसके बारे में मैं जो आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसमें किस टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो हैं और किस बेस के ऊपर हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके अंदर आज पढ़नी है बच्चों कंपोजिट फंक्शन के बारे में। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? कंपोजिट फंक्शंस, तो कंपोजिट फंक्शंस के बारे में पढ़ना है बच्चों। तो कंपोजिट फंक्शंस में लिखिए लेट अस कंसीडर टू फंक्शंस। लेट अस कंसीडर टू फंक्शंस। एक फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया बच्चों एक्स टू वाई। लेट अस कंसीडर एक्स टू वाई वन। एंड सेकेंड जो फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया जिसको हमने g बोल दिया है वो y12, जो ये y1 था इस y12 y हमने कंसीडर किया है बच्चों। तो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे फंक्शन। ये तो एक हमारे पास नया फंक्शन बनेगा बच्चों h। वी डिफाइन फंक्शन h। तो ये h जो बनेगा वो बनेगा हमारा बच्चों एक्स टू वाई। क्या बनेगा अपना? एक्स टू वाई सच दैट जो एच एक्स होगा वो इज इक्वल टू होगा बच्चों जी ऑफ एफ एक्स गोफ एक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? गोफ एक्स बोलेंगे। तो ये क्या है बच्चों, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ। एक फंक्शन हमारे पास ये हो गया, एक फंक्शन ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ से एक्स टू वाई हो जाएगा, या हमने जो लिया है एक्स लिया इसको वाई वन लिया है। तो यहाँ से जो फंक्शन बनेगा वो हमारा बच्चों वो क्या बनेगा? एफ बनेगा, ये जो हमने बोला था। और फिर ये वाई वन से आगे एक फंक्शन और बन रहा है, इसको हमने वाई लिया है। और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा जो फंक्शन बन रहा है वो बन रहा है बच्चों जी। तो ये दूसरा हमारा फंक्शन बन रहा है जी। तो इस तरह से जो एक्स टू वाई बनेगा, इस टाइप से जो फंक्शन बनेगा एक्स टू वाई, तो ये हमारा जो फंक्शन बनेगा वो एच बनेगा बच्चों। और वो किसके इक्वल होगा? जी ऑफ एफ एक्स के, जी ऑफ एफ के इक्वल होगा। ये हमें पता है बच्चों एक्स की वैल्यू होती है, ये एफ एक्स की वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू होगी वो जी एफ एक्स की वैल्यू होगी। ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? अपनी जी एफ एक्स की वैल्यू आएगी। तो ध्यान रखना इसको। तो जो नया फंक्शन एक्स टू वाई जो बनेगा वो बनेगा जी ऑफ एफ एक्स। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों कंपोजिट फंक्शन। अब इसमें कंपोजिट फंक्शन में क्या है, देखिए जो डोमेन है आपको ध्यान रखना है कि ये कब एग्जिस्ट करते हैं, कब ये इक्वल होते हैं और ये कब इक्वल नहीं होते हैं बच्चों। तो देखिए इसके अंदर हम थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि गोफ है वो कब एग्जिस्ट करती है और जो फोग है इसकी, क्योंकि ये फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स है तो एफ ऑफ जी एक्स भी हो सकता है बच्चों, ये कब एग्जिस्ट करेगा। तो इन जनरली हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए, तो डोमेन जी ऑफ एफ, जो जी ऑफ एफ की डोमेन है वो इक्वल होती है जो, देखिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन जी। क्योंकि देखिए हमें पता बच्चों एक्स और वाई में जो डोमेन है एफ की उससे कौन बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग करेगा, क्योंकि एफ की डोमेन ये होगी और रेंज और जो को डोमेन है वो यहाँ आती है। और जो जी की डोमेन है वो एफ एक्स बन जाती है। जी की जो डोमेन है वो क्या बन जाती है? अपनी एफ एक्स बन जाती है। जो एफ एक्स बिलोंग करेगा वो जी की डोमेन से बिलोंग करेगा, और जो एक्स बिलोंग करेगा वो एफ की डोमेन से बिलोंग करेगा। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। और सिमिलरली अगर मैं इसको लिख दूं बच्चों एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स जो लिखा ही हमने, अगर मैं इसको लिख दूं एफ ऑफ जी एक्स, तो वो क्या बनेगा हमारे पास? एफ ऑफ जी एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? एफ जी एक्स क्या बन जाएगा अपना? एक्स बिलोंग करेगा जो डोमेन जी जी की डोमेन से, एंड जो जी एक्स बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा बच्चों डोमेन एफ से बिलोंग करेगा। तो ध्यान रखना है इसके अंदर डोमेन एफ से बिलोंग करेगा। तो देखिए एफ की डोमेन क्या है? एक्स है, उससे बिलोंग करेगा अपना जी एक्स, क्योंकि ये फंक्शन अब ये एफ ऑफ जी एक्स है ना, तो एफ ऑफ
जी एक्स है हमारा। तो ये फंक्शन देखिए, एक्स टू वाई था, ये वाई टू क्या हो जाएगा अपना एक्स हो जाएगा। तो एक्स बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ जी, उल्टा हो जाएगा, ये जी की डोमेन से बिलोंग करेगा अपना एक्स, और जी एक्स बिलोंग करेगा बच्चों हमारे डोमेन ऑफ एफ से। तो जी एक्स यहाँ आ जाएगा अपना, और ये जो एफ है, जो आपका एक्स है, वो यहाँ चला जाएगा। तो अगर हमारे पास इसको हमने फोग एक्स लिखना है, तो उसके बाद आता है देखिए गोफ और फोग कब एग्जिस्ट करते हैं। तो गोफ एग्जिस्ट, तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों अपना, गोफ एग्जिस्ट इफ, कब एग्जिस्ट करेगी, इफ द रेंज ऑफ एफ, गोफ एग्जिस्ट इफ द रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज है वो सबसेट या इक्वल हो जाए डोमेन ऑफ जी के, डोमेन ऑफ जी के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, इट मीन्स जो रेंज ऑफ एफ है वो यहाँ देखी जाती है, और जी की डोमेन भी इसी सेट में देखी जाती है। तो अगर ये इसका सबसेट हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, इसका सबसेट हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, तो क्या एग्जिस्ट कर जाएगी आपकी, गोफ एग्जिस्ट करेगी। और फोग एग्जिस्ट करती है बच्चों, फोग एग्जिस्ट इफ, आपको ध्यान रखना है इसमें भी, द रेंज ऑफ एफ, उल्टा हो जाएगा इसमें, द रेंज ऑफ जी सबसेट या इक्वल हो जाए डोमेन ऑफ एफ के, डोमेन ऑफ एफ के। तो रेंज ऑफ जी, जी की रेंज कहाँ देखी जाएगी, इसमें देखी जाएगी, और डोमेन ऑफ एफ, एफ की डोमेन किस में देखी जाएगी बच्चों, एफ की डोमेन ये होगी। तो ये वाला जो है इसका सबसेट हो जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी आपकी, फोग एग्जिस्ट करेगी। तो इसके अंदर ये हमारे पास, इसको आपने स्पेशली ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद आपको इसके अंदर एक नेक्स्ट फंक्शन जो आता है बच्चों, वो आता है हमारा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है इनवर्स फंक्शन, ये भी इसके अंदर ही है हमारा। तो इसमें हमारे पास कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन दोनों है बच्चों, तो दोनों को ध्यान रखना है अपने को। तो इनवर्स फंक्शन में क्या है कि लेट एक फंक्शन हमने लिख दिया बच्चों ए टू बी, अगर वो फंक्शन बी ए वन वन है हमारा, बी ए वन वन एंड ओन टू, अगर वो फंक्शन वन वन और ओन टू है, दोनों है वन वन एंड ओन टू फंक्शन, देन देर एग्जिस्ट, देन देर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन। तो यहाँ पे एक हमारा यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, सिंपल सी बात है, वन वन फंक्शन कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जिसको हम इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, जो हमारा यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ देखिए वन वन फंक्शन कौन सा होता है, जैसे मैंने इसके अंदर एलिमेंट ले लिए बच्चों वन टू थ्री फोर, और इसके जो एलिमेंट रखे हैं मैंने वो रखे हैं टू फोर सिक्स एंड एट। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन, जो सॉरी मैपिंग शो की गई है, वो वन की टू के साथ, टू फोर के साथ, थ्री सिक्स के साथ और फोर एट के साथ। तो ये मैपिंग हमने शो कर रखी है ए टू बी, ये ए ए सेट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा बी सेट हो गया, जिसको हमने एफ कंपोजिशन बोल दिया। तो ये मैपिंग है इसके अंदर एफ कंपोजिशन में। तो वन वन फंक्शन क्या कहता है बच्चों, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, वन टू के साथ, टू फोर के साथ, थ्री सिक्स के साथ। तो सारे एलिमेंट ए के, इनके साथ डिफरेंट एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं बच्चों, एसोसिएट हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये वन वन फंक्शन है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओन टू फंक्शन की, तो ओन टू फंक्शन क्या बोलता है, ओन टू फंक्शन बोलता है कि जो बी सेट के सारे एलिमेंट हैं, बी सेट के सारे एलिमेंट वो एटलीस्ट वन प्री इमेज शो करने चाहिए। तो टू वन, टू की प्री इमेज क्या है, वन है, फोर की टू है, सिक्स की थ्री और एट की फोर है। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट प्री इमेज शो कर रहे हैं बच्चों, और इसके सारे एलिमेंट इमेज शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन दोनों हो गए हैं, वन वन भी हो गया और ओन टू भी हो गया। तो वन वन और ओन टू हो गया, इसका मतलब वन की इमेज टू है, तो इसका मतलब ये बी ए का इनवर्स है, और ए किसका इनवर्स है, बी का। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, अगर मैं बी को पहले रख लेता हूं, ए को बाद में रख लेता हूं, ए में हो गया टू फोर सिक्स एट, वन टू थ्री फोर, तो जो कंपोजिशन बनेगी अब
अब वो भी उल्टी हो जाएगी, एफ इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि पहले एक जो कंपोजिशन एफ थी वो अब एफ इनवर्स हो गई है। तो यहाँ पे जो टू की मैपिंग थी वो वन के साथ थी, फोर की टू के साथ थी, सिक्स की थ्री के साथ थी, और फोर की एट की फोर के साथ हो गई। तो इसके बाद इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अपना इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया एफ, और ये इसका क्या हो गया है, इनवर्स हो गया बच्चों। तो एफ और एफ इनवर्स, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक फंक्शन है वो वन वन और ओन टू दोनों होना कंपलसरी है बच्चों। और वन वन और ओन टू होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिंपल सी बात है। टू का इनवर्स वन हो जाएगा, वन का टू हो जाएगा, फोर का टू हो जाएगा, टू का फोर हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी वन वन और ओन टू वाली, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे बच्चों। तो अगर मैं इनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, तो देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में ये कि जी तो था वो हमारा जी फंक्शन हमने ले लिया बच्चों, उसको जो ए टू बी टू ए था वो हमने क्या लिया था, जी फंक्शन बी टू ए, उसको मैंने जी फंक्शन ले लिया। जो एफ इनवर्स आपने लिखा था, जो हमने एफ इनवर्स लिखा था उसको क्या ले लिया, मैंने जी ले लिया है। सच दैट जो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अपना वाई होगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाइज करेगा बच्चों, और ये नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन होती है बच्चों, कि जी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फॉर ऑल x belongs to A and y belongs to B। तो ध्यान दीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता था, और यहाँ जी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना x हो जाएगा। अगर ऐसा ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए और जी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, x हो जाए, तो हम देन हम क्या बोलेंगे बच्चों, देन g इज सेट टू बी, तो हम g को क्या बोलेंगे बच्चों, g इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ x, इनवर्स ऑफ f। तो g को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ s, थस g इज इक्वल टू हो जाएगा अपना f इनवर्स। g क्या हो जाएगा, अपना f इनवर्स हो जाएगा, और जो f इनवर्स होगा बच्चों वो होगा b टू a। तो हमने लिखा था पीछे कि जो f इनवर्स है वो हमारा क्या है, b टू a है। और इसको अगर आपने कि एफ एक्स और x, क्योंकि हम वैसे लिखते हैं x और एफ एक्स, लेकिन एफ इनवर्स को क्या लिखेंगे, पहले एफ एक्स मीन्स वाई और एक्स, और वो लिखते हैं हम एक्स और वाई। एफ एक्स किसकी वैल्यू होती है, एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के। एफ एक्स हमारा वाई के इक्वल है, तो ये वाई एक्स हो गया इनवर्स। तो और सिंपल अगर हम लिखते हैं तो सिंपल फंक्शन लिखते हैं एक्स वाई में लिखते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एफ इनवर्स जो ये वाली वैल्यू है वो तो एफ इनवर्स से बिलोंग कर जाएगी, और जो एफ एक्स एक्स एफ एक्स है वो किससे बिलोंग कर जाएगी, एफ से बिलोंग कर जाएगी। तो ध्यान रखना इसमें एफ इनवर्स किस टाइप से एग्जिस्ट करता है, तो फंक्शन क्या होना जरूरी है, वन वन और ओन टू होना जरूरी है। तो आपको बहुत उसके बाद बच्चों क्या हम इसके अंदर, तो इसका मतलब है अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं इसके बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। एक इनवर्स फंक्शन की क्या बता रहा हूं मैं, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो जो इनवर्स फंक्शन होता है वो अभी हमने बताया बच्चों, वो वन वन और ओन टू होता है। तो इनवर्स फंक्शन ऑफ बाइजेक्शन, क्योंकि जो वन वन ओन टू हो जाए, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव हो जाए, वो फंक्शन कौन सा होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। पिछले हमने पढ़ा था इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, अभी बताया मैंने यूनिक होती है जिसकी जो बाइजेक्शन वन वन और ओन टू अगर हो जाता है फंक्शन, तो जो इसका इनवर्स है वो यूनिक हो जाता है, क्योंकि वन वो एक ही इमेज और एक ही प्री इमेज शो करता है। उसके बाद द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन, जो इनवर्स होगा बाइजेक्शन का, जो फंक्शन बाइजेक्शन जो वन वन और ओन टू होगा जो इनवर्स होगा वो भी बाइजेक्शन ही होगा बच्चों, इज ऑल्सो बाइजेक्शन। द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, इफ एफ हमारा कोई फंक्शन है ए टू बी इज बाइजेक्शन, अगर a टू b हमारा कोई फंक्शन बाइजेक्शन है, एंड g हमारा फंक्शन है बच्चों b टू a, अगर a टू b बाइजेक्शन फंक्शन है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि a टू b हमारा कोई बाइजेक्शन फंक्शन है, तो जो g b टू a है वो होगा बच्चों इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f होगा। तो ध्यान रखना बहुत, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था वही बात मैंने यहां लिख दी है कि अगर a टू b बाइजेक्शन है, वन वन और ओन टू है, तो g जो b टू a होगा वो इनवर्स होगा किसका, एफ का। उसके बाद फोर्थ है, इफ एफ ए टू बी एंड जी को लिख दिया बी टू सी,
थ्री सेट शो कर दिए ए बी सी, तीन सेट में कोई कंपोजिशन शो हो रही है, आर टू दोनों ही बच्चों बाइजेक्शन है, मीन्स ए टू बी भी बाइजेक्शन है 1102 है, बी टू सी भी बाइजेक्शन है 1102 है बाइजेक्शंस। तो ये दोनों अगर बाइजेक्शन है तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, ए टू बी बाइजेक्शन है और बी टू सी भी क्या है हमारी बाइजेक्शंस हैं, दोनों अगर ये बाइजेक्शंस शो कर रहे हैं बच्चों देन, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, देन जो जी ऑफ एफ एक्स बनेगी ए टू सी, क्योंकि हमने बताया था बच्चों एक्स टू वाई वहां शो किया था हमने ए टू सी, यहाँ पे ए टू सी है, तो ए टू सी जी ऑफ एफ एक्स भी क्या होगा हमारा बाइजेक्शन होगा, एंड जो इसका जो इनवर्स होगा जी ऑफ एफ का वो बच्चों जो इनवर्स होगा वो इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, किसके इक्वल होगा जो जी ऑफ एफ एक्स इनवर्स क्या होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल होगा, तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ जो इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपकी एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू है जी ऑफ एफ, ये दोनों इक्वल नहीं है, बट इफ तो आपके पास यहाँ क्या है बच्चों देखिए एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, बट इफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ देन आइदर या तो बच्चों एफ इनवर्स इक्वल टू जी होगा और या फिर जी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा एफ होगा, ऑल्सो आपके पास ध्यान रखना है एफ ऑफ जी और इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा एक्स होगा, तो ध्यान रखना इसमें कि या तो ये कंडीशन हो कि एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ और या फिर ये कंडीशन हो, तो ध्यान रखना तो या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी, तो इसमें दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे जो आज के कुछ क्वेश्चन है वो हम लेते हैं बच्चों, देखिए इनवर्स बेस पे और कंपोजिशन बेस पे कि किस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज इसमें क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हमारी है 1.3, इसके अंदर क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, लेट एक कंपोजिशन दे रखी है अपने को एफ जो दे रखा है वो है 1342 125 और आगे जो कंपोजिशन दे रखी है बच्चों एंड सेकंड जो कंपोजिशन दे रखी है सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों जी जो कंपोजिशन दे रखी है जी कंपोजिशन है 125 213 और ये कंपोजिशन इज गिवन बाय एफ, एक फंक्शन है एफ तो दे रखा है 1 2 3 5 4 1 एंड जी आपके पास जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 1 3 2 3 एंड 5 1 ये आपके पास है, हमें राइट इसकी जी ऑफ एफ लिखना है बच्चों। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, अगर मैं इनको एरो डायग्राम से शो करूं तो आपके पास तीन सेट है बच्चों, फर्स्ट है 1 3 4 देखिए 1 3 4 और इसकी कंपोजिशन है 1 2 5, सेकेंड है 1 2 5 2 1 3, इस तरह से ये तीन सेट आपके पास हैं, इन दोनों के बीच में तो एफ शो रहा है और इन दोनों के जो मैपिंग है वो क्या शो करें जी, तो वन की जो मैपिंग शो कर रखी है एफ के अंदर वो टू के साथ है, थ्री की फाइव के साथ और फोर की वन के साथ, इस तरह से मैपिंग शो हो रही है, और सेकंड जी में है वो 1 3 के साथ, टू भी 3 के साथ और 5 1 के साथ, इस तरह से मैपिंग ये शो कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है इसकी, तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए कि गोफ एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, क्योंकि जी ऑफ एफ निकालना है, तो गोफ एग्जिस्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर रेंज एफ की, गोफ कब एग्जिस्ट करती है अगर रेंज एफ की डोमेन हो जी की, सबसेट हो डोमेन ऑफ जी की, तो जो देखिए या इक्वल हो, तो एफ की रेंज क्या बन रही है 1 2 5 ही बन रही है और जी की डोमेन का सबसेट, जी की डोमेन भी क्या बन रही है बच्चों 1 2 5 भी बन रही है जी की डोमेन, क्योंकि तीनों एलिमेंट ही मैपिंग शो कर रहे हैं, तो इसकी डोमेन भी दोनों इक्वल हो गई, तो वेयर आप लिख सकते हैं वेयर रेंज ऑफ एफ सबसेट या इक्वल है, या इक्वल लिख दीजिए
डोमेन ऑफ जी, क्योंकि इक्वल ही है या तो सबसेट नहीं है, कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, सो गोफ एग्जिस्ट, जी ऑफ एफ इज एग्जिस्ट, तो यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट करिए तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे जी ऑफ वन, क्योंकि हमने वन की फाइंड करनी है, वन की फाइंड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो जी ऑफ वन है, इसको क्या लिखेंगे देखिए, जी ऑफ एफ वन लिखेंगे बच्चों, जी ऑफ एफ वन लिखेंगे, और जी ऑफ एफ वन, एफ वन किसके इक्वल है, जो वन है वो किसके इक्वल है, एफ वन, यहां से पता चल जाएगा एफ वन किसके इक्वल है, टू के इक्वल है, क्योंकि वन की जो एफ शो कर रहा है वो एफ वन है, वो किसके साथ मैपिंग कर रहा है, एफ में, बस हमने एफ में देखना है भी वन किसके साथ मैपिंग शो कर रहा है, टू के साथ कर रहा है, तो ये जी एफ वन है वो टू के इक्वल हो गया। और फिर जी टू, जी में देखो भी टू किसके साथ मैपिंग शो कर रहा है, जी में देखो टू किसके साथ मैपिंग शो कर रहा है, थ्री के साथ, तो जी टू किसके इक्वल हो गया हमारा, थ्री, तो जी ऑफ एफ वन किसके इक्वल आ जाएगी, थ्री। इसी टाइप से जी ऑफ एफ थ्री, उसको लिख देंगे जी ऑफ एफ थ्री, और एफ थ्री देखो किस में मैपिंग शो कर रहा है, एफ में थ्री, फाइव के साथ, तो ये जी फाइव बन जाएगा, और जी में देख लो फाइव किसके साथ मैपिंग शो कर रहा है, वन के साथ, तो ये वन आ जाएगा। इसी तरह से जी ऑफ फोर, क्योंकि जो कंपोजिशन होती है वो तो यहां से यहां होती है ना, जो मैंने बताया था, अगर जो गोफ है वो यहां से यहां एग्जिस्ट करती है, इस सेट से इस सेट में, तो वन थ्री फोर की देखनी है अपने को, तो जी ऑफ एफ देखिए, इसको लिख देंगे जी ऑफ एफ फोर। अब एफ फोर, एफ में फोर किसके साथ, वन के साथ, तो जी वन बन गया, और जी में वन के साथ, वन किसके साथ, थ्री के साथ, तो जी थ्री। तो देखिए जो ये जो मैपिंग आई है उसमें हमने वन थ्री फोर की चेक की और वन थ्री आई है, तो ये वन आ रही है, कभी थ्री आ रही है, वन आ रही है, थ्री आ रही है, इससे बाहर नहीं जा रही है, इसका मतलब जो जी ऑफ एफ है वो क्या बनी है हमारी, पहला वन थ्री बनी, वन, दूसरी क्या बनी है, दूसरी बनी है थ्री वन, और तीसरी बनी है हमारे पास फोर थ्री। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों गो फॉर फोर। इसी टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, लेट एफ जी एंड एच आर फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ जी और आर जो हमारे फंक्शन है वो आर टू आर है, तो हमें शो करना है कि एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ये शो करना है। तो फर्स्ट देखिए प्रूफ, इसका सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट पार्ट का क्या दिया गया है यहाँ पे, कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं बच्चों, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, एफ ओ एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स के साथ, क्योंकि कोई एलिमेंट हमने एक्स कंसीडर करना होता है, इसकी एक्स के साथ कंपोजिशन देखते हैं क्या आती है, तो एफ ओ जी एच एक्स बन जाएगा ये, एफ प्लस जी एच एक्स बन जाएगा ये, और इसको हम लिख देंगे एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, जी एच एक्स लिख देंगे, तो ये एफ ऑफ एच एक्स क्या बन गया हमारा बच्चों, एफ ऑफ एच एक्स बन गया, और ये जी एच एक्स क्या बन गया, जी ऑफ एच एक्स बन गया हमारे पास। उसके बाद देखिए ये हमारे पास बच्चों आगे वैल्यू, और यही हमने प्रूव करना था, ये जो देखिए इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये एच एक्स तो दोनों में क्या है बच्चों, एक कॉमन एलिमेंट ही है, कॉमन एलिमेंट है, तो इसमें से ये आप कॉमन ले लो, कॉमन लेके आपके पास ये वैल्यू इसके इक्वल शो हो जाएगी, तो एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच, यहां मत लिखो, जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू आ जाएगी हमारी किसके, राइट हैंड साइड के। इसी टाइप से जो इसकी अगले पार्ट में इसकी जो हमारी राइट हैंड साइड है के इक्वल आ गया, इसी पार्ट से जो इसका सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व कर लें, सेकंड पार्ट को सॉल्व करके आप दोनों को शो कर सकते हो, जो उसके बाद सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, मल्टीप्लाई वाले पार्ट को आप खुद ट्राई कर लीजिए, और लास्ट में इसको लिख देना जो प्रूव करना आपने, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ देख आपको शो कर रहा हूँ कि वेयर, आप लिख सकते हैं वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है, कर रहा है, तो हैंस लास्ट में लिख देना आप एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू, जो हमें प्रूव करना था एफ ऑफ एच प्लस में जी ऑफ एच, ये प्रूव करना था अपने को, ये लास्ट में इस पे नेक्स्ट पार्ट इससे आगे थोड़ा लिख देना, क्योंकि एक्स यहाँ पे एक रियल नंबर है, और रियल नंबर के लिए इन दोनों की वैल्यू है बच्चों वो प्लस में सेम ही हो जाएगी, तो ये राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो जाएगी।
इसी तरह से मल्टीप्लाई वाला आप खुद ट्राई कीजिए। थर्ड में भी आपको फोग और गो फाइंड करनी है, आप इसको भी ट्राई कीजिए। थर्ड क्वेश्चन को इसमें आपको फोग और गो फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है वो ऊपर मैंने बता दिया था। अगर जी ऑफ एफ फाइंड करना है तो जी ऑफ एफ एक्स लिखो, एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करो और वो जी में पुट कर दो। जैसे कि एक पार्ट मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ आपको, देखिए एक पार्ट आप थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखते हैं क्या है ये। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपको, देखिए दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स दे रखा है और जी एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है मोड ऑफ एफ एक्स 5x-2 दे रखा है। तो अगर आपको गो ऑफ एक्स फाइंड करनी है तो वो हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है मोड एक्स है, तो जी मोड एक्स बन जाएगा ये आपका, और इस मोड को आप जी में पुट कर दो एक्स की पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, मोड 5x की पोजीशन पे मोड एक्स पुट कर दिया -2, ये वैल्यू बनेगी आपके पास। उसके बाद आपके पास एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है तो वो हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है मोड 5x-2 है, और ये वैल्यू ऑफ एक्स की पोजीशन पे एफ एक्स में पुट कर दो, तो ये एफ एक्स में पहले ही मोड लगा हुआ है तो मोड तो आएगा, और ये वैल्यू पूरी की पूरी मोड 5x-2 का मोड, ये देखिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ ऑफ जी एक्स की। तो इसी तरह से आपके पास ये वैल्यूज आप पुट करके फोग और गो फाइंड कर सकते हो। आगे बच्चों इनवर्स वाला पार्ट है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के लेक्चर के अंदर लेंगे कि हमने इनवर्स कैसे फाइंड करने हैं इसके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।